खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वंदे मातरम गाए जाने का पक्षधर हूँ, लेकिन इसको किसी पर थोपना नहीं चाहिए। और ये फिर एनडीए के एक्सेप्टेड एजेंडे का हिस्सा भी नहीं। तो सर, जैसे अगर कॉमन आप एनडीए की रैली में आप एक मंच पर हैं, जैसे मोदी जी एक मंच पे थे, उसमें वंदे मातरम का नारा लग रहा था और नीतीश जी चुपचाप बैठे रहे, वही वीडियो ट्रोल हुआ जिसके बाद ये हिस्सा बना कि देखिए वंदे मातरम को लेकर नीतीश जी नारा नहीं लगा रहे हैं। सभी को संयुक्त रैली में सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी के इमोशन और सेंटिमेंट हर्ट ना हो पाए।